वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। राजस्थान के उदयपुर में एक हनुमान मंदिर की छत पर दो मुस्लिम युवकों द्वारा मांसाहार बनाए जाने को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस के कार्रवाई के बाद दोनों आरोपी जाकिर हुसैन और नाजिम शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार में जिस तरह से इस विशेष समुदाय के लोगों का मन बढ़ा है वो भविष्य के लिए काफी घातक है। एक ओर सरकार ने मंदिर ढहा के हिंदुओं के आस्था पर प्रहार किया तो इन लोगों ने हिंदुओं के पर्व त्योहार पर दंगे फैलाए। जोधपुर के मेन चौक पर इस्लामिक झंडे गाड़, अब तो सरकार और हिंदू समुदाय को भी बड़ा झटका दे दिया है और ये सब प्रदेश में तब तक कायम है जब तक इनके आका सत्ता में बैठे रहेंगे। मामला बीते दिन की है जहां आरोपियों ने मांस खाने के बाद हड्डियों को मंदिर के परिसर में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का कहना है कि वो बिहार के रहने वाले हैं। इंडिया न्यूज खबर की माने तो आरोपित लगभग 15 दिनों से मंदिर की छत पर रह रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि इतने दिनों से रह रहे लोगों के बारे में आस पड़ोस, स्मार्ट सिटी कर्मचारी या नगर निगम किसी को भी जानकारी नहीं थी, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस दौरान वो लगातार नॉनवेज बनाकर खा रहे थे। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पार्षद कुसुम पवार को दी थी। लोगों के साथ पहुंचकर पार्षद ने वो सभी सामान सड़क पर फिकवा दिए थे। बाद में मंदिर परिसर को पानी से धुलवाया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि वो बिहार से सड़क बनाने के लिए बुलाए गए मजदूर हैं। आरोपितों को पहले भी मंदिर परिसर में न जाने की चेतावनी दी गई थी लेकिन वो नहीं माने। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी दोनों आरोपितों को नहीं पहचानते हैं। पकड़े गए आरोपित ने छत पर मांस बनाकर खाना कबूल कर लिया है। उसका मानना है कि पहली बार उससे ये गलती हुई है। बहरहाल प्रदेश में चल रही लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियां पहली बार ही क्यों न हो लेकिन इनके इरादे बहुत ही नापाक देखी जा सकती है। आपको बता दें इनके खिलाफ केस भूपालपुरा थाना में दर्ज हुआ है। आरोपितों पर धार्मिक स्थल अपवित्र करने के मामले में धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें ये मंदिर अलीपुर इलाके के सामुदायिक भवन के पास बना हुआ है। घटना की जानकारी होने के बाद स्थानीय लोग मंदिर के आगे जमा होकर विरोध कर रहे थे। मामले में शिकायत पार्षद कुसुम ने दे दी है।